Hello friends! I hope you all are doing good. My name is Ashpreet, and today I'm going to teach you about intrinsic and extrinsic semiconductors. So, types of semiconductors. There are two types of semiconductors. One will be the intrinsic semiconductor, and the other will be the extrinsic semiconductors. so स्टार्टिंग विद द फर्स्ट case that दैट इज द semiconductor a pure अ प्योर from impurities फ्री called as इज कॉल्ड एज जिस सेमीकंडक्टर के बीच में कोई भी गंदगी ना हो कोई भी impurity ना हो उसको हम क्या बोलते हैं intrinsic semiconductors कंडक्टर्स इनके एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं सिलिकन एंड जर्मीनियम राइट सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमी कंडक्टर इज टोटली गवर्न बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम द वेलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड इज कॉल्ड एज इंट्रेंसिक कंडक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट बैंड थ्योरी उसके केस में हमने सेमी कंडक्टर्स में देखा था वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में अप्रॉक्सिमेटली एनर्जी गैप रहता है लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो यहां पर जो कंडक्टिविटी डिसाइड करेगा कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी है वो कौन डिसाइड करने वाला है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं वही इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे कि इंटरेंसिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है सो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड देखिए इंटरनसिक सेमी कंडक्टर्स केस में मैं जर्मेनियम का केस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जर्मेनियम के केस में क्या है इसका टमिक नंबर रहता है थर्टी टू थर्टी टू जो इसका सबसे पहला ऑर्बिट होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बाद एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन कम्स इज एटीन इलेक्ट्रॉन्स एंड देन कम्स इज फोर इलेक्ट्रॉन्स टू प्लस एट प्लस एटीन कितना हो गया ये ट्वेंटी एट प्लस फोर इक्वल टू थर्टी टू इनर मोस्ट में हमारे पास दो होते हैं उसके बाहर वाले लेवल की बात करूं तो एट होते हैं उसके बाद ये जो number of electrons हमारे पास पड़े हैं इन ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट में फोर्थ ऑर्बिट में दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है इनको वन टू थ्री एंड फोर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या रहती है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन फोर टू फोर पी टू यहाँ पर अगर चार और होते तो ये कंप्लीट हो जाता ये स्टेबल हो जाता बट यहाँ हमारे पास क्या है चार इलेक्ट्रॉन्स की कमी है एंड ये टू प्लस टू क्या है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो so, ईच जर्मेनियम एटम हैज़ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फॉरवर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम इन टू डायमेंशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जब तक हमारे पास कोई एटम आइसोलेटेड है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिफाइंड हैं बट जैसे ही हम उसके आसपास और एटम्स को ले आएंगे यानी क्रिस्टल फॉर्म कर देंगे तो उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं किन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तो इसके केस में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अगर एक जर्मेनियम के पास जर्मेनियम एटम के पास और जर्मेनियम एटम्स को ले आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है देखिए ये हमारे पास इनिशियल जर्मेनियम एटम था इसके ये थे चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये जो सेंटर वाला जर्मेनियम एटम है ये हमारे पास कौन सा था जो इनिशियली आइसोलेटेड था इसके आसपास हम चार और जर्मेनियम एटम्स को ले आए एक्चुअल में तो बहुत सारे आएंगे बट इसके नेबर में कितने आ रहे हैं चार आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो इनिशियल आइसोलेटेड जर्मेनियम एटम था उसके ये चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब शेयर हो जाएंगे विद फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर जर्मेनियम एटम्स लाइक दिस ये क्या फॉर्म कर लेंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देंगे दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द जर्मेनियम एटम फॉर्म फोर बॉन्ड्स बाई शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ नेबरिंग फोर जर्मेनियम एटम्स। सो ईच कोवलेंट बॉन्ड शेयर टू इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ईच एटम। अब हरेक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है शेयर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स पर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एक इस एटम का एंड एक इस एटम का एंड ये फॉर्म करते हैं एक कोवलिन बॉन्ड जर्मेनियम इन अ क्रिस्टल बिहेव्स एज इफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट विद एट इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ध्यान से देखकर बताइए जो अंदर वाला जर्मेनियम एटम है जिसके केस में चार इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी अब वो चार इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी कौन कर रहा है इसके सराउंडिंग में जो चार पड़े हैं तो इसके लिए हमें क्या दिखेगा कि जो इसका ऑर्बिट था आउटर मोस्ट जिसमें चार इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो पूरी हो चुकी है एंड ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है विद इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फॉरवर्ड

फुल इसके बीच में सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे लाइक दिस अगर हम बात करें एट इज इक्वल टू जीरो कैलबिन की बट इसके केस में जो कंडक्शन बैंड होगा वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा इस टाइम पर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एंड इनके बीच में अगर मैं एनर्जी गैप की बात करूं तो वो कितनी होगी डिफाइंड रहती है पर्टिकुलरली दैट इज जीरो पॉइंट सेवन टू इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड वन पॉइंट वन इन केस ऑफ सिलिकॉन यहां पर लिखा हुआ है आपके पास देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल एट इज इक्वल टू जीरो एक्ट एज इफ इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ कंडक्टर्स होते हैं जिनमें वेलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनिशियली बट अगर हम उनको थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो वेलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं कंडक्शन बैंड में बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि टेम्परेचर ज़ीरो के है कि कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ मैं टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है तो उसके केस में क्या हो जाएगा मेरे पास कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वेलेंस बैंड में ही रहेंगे कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा एंड अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वेलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जाना है तो इन केस ऑफ अगर वो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है तो उसको एटलीस्ट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए टू शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड सिलिकॉन के केस में उसको मिनिमम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए टू शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड राइट मूविंग फॉरवर्ड इनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर अब हमने बात कर ली उसकी टी इज इक्वल्स टू जीरो कैल्बिन पे बट अगर हमने अचीव कर लिया है रूम टेम्परेचर मतलब हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा

इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इज दिस रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड इसी के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा सेमीकंडक्टर कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक सिटी को दैट इज एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्राम दैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन बैंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल अब देखिए कोई चीज अगर कहीं से उठ के कहीं जा रही है सपोज आप एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर गए तो पिछली वाली कुर्सी तो एम टी हो गई ना आप सपोज इलेक्ट्रॉन है आप एक कुर्सी पर बैठे थे एंड उठकर दूसरी कुर्सी पर चले गए तो जो वो खाली स्पेस हो गई उसको हम क्या बोलेंगे इट इज अ होल अब एम्प्टी स्पेस या फिर आप बोल लीजिए जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड होल नेक्स्ट इज एज इलेक्ट्रॉन मूव इन द कंडक्शन बैंड द होल मूव्स इन द वेलेंस बैंड एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज पॉसिबल अब सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स होल्स वैलेंस बैंड में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं एंड ड्यू टू देयर मूवमेंट हमारे पास क्या आता है करंट आता है हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था सिर्फ एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं बट मैंने आपको बताया था कि जब हम सेमी पढ़ेंगे मैंने उसके केस में आपको बताऊंगी कि यहां पर दो टाइप के चार्ज कैरियर्स पॉसिबल रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तो ये वही दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फाउंड इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स विच

अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर चला गया यहाँ पर तो एग्जैक्टली exactly वो यहां पर क्या छोड़ के गया एक होल छोड़ कर गया अगर मैं बोलूं चार इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए तो चार होल्स रहे यहां पर तो इसके केस में इंट्रसिक सेमीकंडक्टर के केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ही होल्स होते हैं दे आर एनई दे आर एन एच एंड इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर एनई इज इक्वल्स टू एन एच

कनेक्ट कर देते हैं विद अ बैटरी एट हाई टेम्परेचर तो उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड उस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं होल्स एंड अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि वो मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड इनकी मूवमेंट की वजह से करंट आएगा सो करंट इज इक्वल्स टू आई ई प्लस आई एच इज़ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज डोपिंग अभी मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स उसके केस में मैंने आपको क्या बोला था कि इनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती डोपिंग क्या होता है बेसिकली डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेलीब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जब हम खुद इंटेंशनली इम्प्योरिटी डाल दें उसमें किसमें इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटी Intr किस फॉर्म की है एटम के फॉर्म्स की टू अर सेमी कंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी इन अ कंट्रोल्ड मैनर दिस इंप्योरिटी एटम्स आर नोन एज डोपें देखिए हमारे पास इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर था उसमें हमने डिलिबरेटली इंटेंशनली क्या किया इंप्योरिटी एटम्स को डाला ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंट्रोल्ड मैनर में हम चेंज कर सकें बेसिकली आप आगे पढ़ेंगे अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको कि जब हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसके केस में क्या होता है हमारे पास कि जो करंट कंडक्शन है हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं करंट ज्यादा आता है सो so, हम डोपिंग करते हैं एंड जो एटम्स हम डाल रहे हैं इंप्योरिटीज के उनको हम क्या बोलते हैं दे आर नोन एज डोपेंट्स दे आर नोन एज डोपेंट्स सो डोपिंग ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू

होते हैं चार अगर हम ऐड करें इनमें किन में इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को पेंटावेलेंट डोपेंट को तो उनके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पाँच एंड ट्राईवेलेंट के केस में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तीन बीच में कौन एक्ट करता है बीच में कौन है देखिए बीच में यहाँ पे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है एंड यहाँ पर हमारे पास ट्राईवेलेंट होते हैं एंड यहाँ पे होते हैं पेंटा वैलेंट प्रियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे सिलिकन एंड जर्मेनियम की रो बीच में है इस साइड पर उसकी लेफ्ट साइड पर जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थ्री हैं तो उन टाइप के एलिमेंट्स को मैं क्या बोलूंगी ट्राई वेलेंट एटम्स एंड वो कैसे होते हैं देखिए एग्जांपल उनकी रहती है इंडियम बोरोन एंड एल्यूमिनियम एंड अगर मैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के राइट right साइड पे मूव करूं इन प्रो टेबल तो मेरे पास क्या आ जाते हैं पेंटावेलेंट एटम्स आ जाते हैं जिनके केस में जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फाइव होते हैं एंड इनकी एग्जाम्पल क्या रहती है मेरे पास आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस सो मूविंग फॉरवर्ड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर क्या होते हैं देखिए अ डोप्ड सेमी कंडक्टर और अ सेमी कंडक्टर विद सूटेबल इम्प्योरिटी एडेड टू इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर कोई ऐसा सेमी कंडक्टर जो डोब्ड किया गया है विद सूटेबल इम्प्योरिटी उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर

फर्स्ट विल बी एन टाइप एंड द सेकेंड विल बी पी टाइप देखिए सेमी कंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक एन एक्सट्रेंसिक फर्दर हमारे पास दो टाइप के होते हैं एन टाइप एंड पी टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी एडेड टू देंसिक सेमी कंडक्टर्स एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स कैन बी डिड इन टू टाइप्स दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग अबाउट एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होता है देखिए वेन प्योर सिलिकन और जर्मेनियम विच फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन इज डोब्ड कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स जिनमें कि हमारे पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पांच लाइक फॉस्फोरस वी गेट अ एन टाइप सेमी कंडक्टर मतलब अगर हमने सिलिकन या जर्मेनियम में क्या डाल दिया है फॉस्फोरस का एटम डाल दिया है तो हमारे पास एनटाइप सेमी कंडक्टर बन जाएगा नेक्स्ट इज द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमप्योर एटम विल कंबाइन विद द फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम टू फॉर्म फोर बॉन्ड्स इसका क्या मतलब रहता है आप एक की एग्जांपल लेके समझिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में सेम चीजें होती हैं हम ले लेते हैं सिलिकॉन का केस सपोज चार सिलिकॉन है बीच में हमने डाल दिया एक फॉस्फोरस क्या डाल दिया फॉस फोरस तो इसके जो चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन चारों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देंगे एंड एक इलेक्ट्रॉन जो फोस्फोरस का एक्स्ट्रा रहेगा वो क्या रहेगा फ्री रहेगा एंड इसी तरह हम बोलते हैं कि हमने अगर इसमें इम्प्योरिटी डाली है फोसफोरस को डाल दिया है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ पे अवेलेबल होगा बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाऊंगी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर ज़रा सभी भी एनर्जी मिलेगी तो ये कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इसी वे से हम बोलते हैं कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम बीच में क्या डाल दें डोपेंट्स डाल

गिविंग ंग फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन द इम्प्योर एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज गिविंग राइज टू अ होल अब क्या है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसको कंडक्शन बैंड को एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अब एक होल आ जाएगा होल आ जाएगा एंड ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे पास ये एटम कैसा बन जाएगा अब पॉजिटिवली चार्ज कौन सा ऐटम फोस्फोरस का एटम देखिए थर्स एन एन टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स एन टाइप के केस में जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसके केस में जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं मतलब मेजोरिटी कैरियर्स का मतलब क्या है हमें जो सबसे ज़्यादा करंट मिल रहा है इन एन टाइप सेमी कंडक्टर्स वो किसकी वजह से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सो so, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं इनके केस में मेजोरिटी कैरियर्स एंड होल्स की वजह से भी हमें करंट मिलेगा बट कम मिलेगा तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स ये डायग्राम को समझते हैं देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करा था कि अगर चार सिलिकन है एंड बीच में हमने एक डोपेंट एटम डाल दिया है दैट इज ऑफ Phosphorus. तो वो क्या करेगा अपने चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा विद द सिलिकन एंड सिलिकन के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो जाएंगे एक यहाँ से मिल रहा है एक यहाँ पर होगा यहाँ पर एंड सो ऑन ये बेसिकली टू डायमेंशनल व्यू बनाया गया है तो फॉस्फोरस के चार तो यूज हो गए एंड एक ये रह जाएगा मेरे पास डोनर इम्प्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो डोनर एटम हमने यहाँ पे डाला है इम्प्योरिटी का वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन को एंड ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा फाइनली कहाँ पे कंडक्शन बैंड में ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है अब हम वो देखने जा रहे हैं हम समझेंगे इन एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम कंपेयर करें सिलिकन एंड जर्मेनियम कंपेयरिंग सिलिकन और जर्मेनियम डोप्ड विद विद्योरिटी लाइक आर्सनिक प्योर सिलिकन और जर्मेनियम अब देखिए प्योर सिलिकन और जर्मेनियम के केस में हमने देखा था एनर्जी बैंडग्रम उसमें कुछ एनर्जी गैप था राइट right? यहाँ पर हमारे पास था वेलेंस बैंड ऊपर था कंडक्शन बैंड यहाँ पर जो एनर्जी गैप था दैट वॉज लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह मैंने पढ़ाया था आपको इन लास्ट वीडियो अगर हम इस एनर्जी बैंड के डायग्राम को कंपेयर करें किसके साथ कि अगर हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम में अब डाल दिया है कोई इम्प्योर एटम तो आप देखेंगे कि द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड इज लेस कि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा ना कंडक्शन बैंड का अगर वो पहले यहाँ पे था अब वो कहाँ पे आएगा यहाँ पे इन केस अगर हमने इसमें क्या डाल दिया है कुछ इम्प्योरिटी डाल दी है द इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड द डोनर एनर्जी लेवल्स बिटवीन द द वैलेंस बैंड बैंड एंड कंडक्शन इसको आप डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे देखिए बेसिकली क्या होता है ये वैलेंस बैंड था ये कंडक्शन बैंड था इतनी कहानी थी अगर हमने डोनर एटम को नहीं डाला था उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ दो बैंड्स मौजूद थे दैट वाज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बट अगर हमने इसमें डोनर एटम डाल दिया है तो यहां पर एक और बन जाएगा बैंड विच इज नोन एज डोनर एनर्जी लेवल यहाँ पर एक और लेवल आ जाएगा विच इज नोन एज डोनर एनर्जी लेवल दिस डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास होता है ये डोनर एनर्जी लेवल इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अगर इनको बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड हो दैट इज 0.01 पॉइंट जीरो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये शिफ्ट हो जाते हैं टू कंडक्शन बैंड एंड हम यही जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए करंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए अब ध्यान से देखिए इस फिगर में सिर्फ एक होल प्रेजेंट है यहां पर एंड ऊपर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं इन केस ऑफ एक्सट्रेंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर दे आर मोस्टली ड्यू टू दिस इम्प्योरिटी एटम इस इम्प्योरिटी एटम की वजह से जो ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पहुंचता है कंडक्शन बैंड में अगर हम सिंपल इंट्रेंसिक की तरफ से ही चलते intri ही रखते इसको कुछ डोपेंट ना डालते तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था बट हमने यहाँ पे डोपेंट यूज किया है फोस्फोरस का तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं इन द कंडक्शन बैन सत वेरी स्मॉल एनर्जी सप्लाइड कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर लेवल टू द कंडक्शन लेवल एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर विकम्स रिमार्केबली इंप्रूव्ड हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो चुकी है रिमार्केबली इम्प्रूव हो चुकी है मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज पी टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है देखिए वेन प्योर सिलिकन और जर्मेनियम विच हैज फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन इन द डोप्ड इज डोप्ड विद द कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स लाइक बोरॉन वी गेट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में चार वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ट्राइवेलेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि इनमें थ्री वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं थ्री तो जब किसी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम डोप कर दें किसी ऐसे एटम के साथ किसी ऐसे इंप्योरिटी के साथ जिसमें सिर्फ थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड वो एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है तो हमारे पास किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर द डोपेंट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन सिलिकन और जर्मेनियम डोपिन के पास तीन है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के पास चार है सो दिस एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विद नेबरिंग थ्री सिलिकॉन एटम्स बट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू टू ऑफर द फोर्थ सिलिकॉन एटम इज होल इन बिटवीन इसका क्या मतलब है देखिए अगर मेरे पास ये सिलिकॉन था ये सिलिकॉन 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 बीच में रख दिया मैंने बोरॉन अब क्या है इसके पास तो सिर्फ तीन वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तीन कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेगा लाइक दिस Like this and like this. मतलब इन तीनों सिलिकन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा बट फोर्थ सिलिकन के साथ बनाने के लिए उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बट इसके पास क्या है एक होल तो इसके केस में क्या होगा हमारे पास देखो Since the neighboring silicon atoms in the lattice wants an atom in a place of a hole, an electron in the outer orbit of an atom in the neighborhood may jump and fill this vacancy, leaving a vacancy or a hole in its own site. इसका क्या मतलब रहेगा? अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास पूरे क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ ये चार ही सिलिकैन आटम्स हैं, and बीच में एक बोरोन अगर हमने डाला है, ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो होल है अब मैं क्या बोल रही हूं इस पॉइंट में कि ये जो बाकी सिलिकॉन एटम्स हैं ये क्या चाहते हैं कि इस होल की जगह भी क्या आ जाए एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या करते हैं यहां पर जो और सिलिकॉन एटम्स पड़े होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है इस होल की जगह पर एंड यहाँ पर क्या आ जाता है उसकी जगह एक होल आ जाता है आप देख सकते हैं केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मूवमेंट किसकी हो रही है होल की हो रही है पहले होल यहाँ पे था अब होल यहाँ पर पहुंच गया अब इस होल को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये होल उधर चला जाएगा तो इसके केस में हमारे पास जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप के केस में वो कौन होते हैं होल्स होते हैं एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स

पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा चार सिलिकन के बीच में एक बोरॉन को डाला गया है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है एक होल है जिसको फिल करता है कोई नेबरिंग सिलिकन एटम का इलेक्ट्रॉन एंड ओवरऑल हम क्या बोलते हैं होल की मूवमेंट रहती है मूविंग नेक्स्ट एनर्जी बैंड ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर सिलिकन और जर्मेनियम डोप विद इम्प्योरिटी लाइक बोरोन प्रोड्यूसिस एनर्जी लेवल विच इज सिट इन दी एनर्जी गैप स्लाइटली बैंड जैसे एन टाइप के एनर्जी लेवल यहाँ पर बीच में आया था कंडक्शन बैंड के पास ये कंडक्शन बैंड था अगर तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था डोनर एनर्जी लेवल आया था पी टाइप के केस में भी एक एनर्जी लेवल आता है बट वो कहाँ पर आता है वो नियर आता है वेलेंस बैंड की एंड उसको हम बोलते हैं असेप्टर एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं इसका देखिए एक असेप्टर एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी डिनोट की जाती है बाई एंड इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वेलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में वो रहता है इजी इवी इज दर्जी ऑफ दिस लेवल वेलेंस बैंड की जो सबसे हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ईवी एंड कंडक्शन बैंड की जो सबसे लोएस्ट लेवल की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ई सी एंड इन दोनों के गैप को बोलते हैं ई जी एंड देर इज वन न्यू लेवल इन द केस ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मतलब अगर यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो वन टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास होल्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम दी एक्सेप्टर बैंड टू दी वैलेंस बैंड बिकॉज होल की मूवमेंट्स ही देख रहे हैं हम देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे होल्स हैं इतने होल्स हैं बट ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो ये होल्स कहाँ से आ रहे हैं ये होल्स आ रहे हैं फ्रॉम द इम्प्योरिटी विच वी हैव एडेड टू दिस राइट सो एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड can easily be transferred to the acceptor level. This produces a large number of holes in the electron band. Basically क्या होता है room temperature के case में क्या होता है ये जो electrons होते हैं वो easily transfer हो जाते हैं from the valence band to the acceptor level. And यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं बहुत सारे holes. Right? So this valence band becomes the hole conducting band. तो ये valence band अब क्या बन जाता है It it becomes a hole conducting band. मतलब इनमें बहुत सारे होल्स आ जा जाते हैं राइट मूविंग फॉरवर्ड इसके केस में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है दैट इज इन अ डोप्ड सेमी कंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज नॉट इक्वल इसका मतलब क्या है इंट्रेंसिक केस में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का नंबर सेम था जितने वैलेंस बैंड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उठ कर गए थे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स आ गए थे हमारे पास बट इन केस ऑफ डोप्ड सेमी कंडक्टर ऐसा नहीं होता जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है इंप्योरिटी एटम्स प्रोवाइड करते हैं एंड इसके केस में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है दैट एनी इंटू एन एच इज इक्वल्स टू एन आई